इंदौर में गणेश चतुर्थी पर सैकड़ों पंडालों और घर घर में गणेश मूर्तियों की स्थापना की गई। वहीं नगर निगम ने गणेश मूर्ति की विसर्जन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जवाहर टेकरी पर गणेश मूर्तियों का विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा तकनीक का विशेष प्रयोग किया जाएगा। निगम के वर्कशॉप विभाग द्वारा पोकलेन के पंजे को हटाकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर मूर्तियों को रखकर जवाहर टेकरी पर बने जलाशय की 22 से 40 फीट गहराई में पहुंचाया जाएगा। पानी में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद खुल जाएगा। इस तरह सम्मानजनक तरीके से गणेश मूर्तियों का विसर्जन होगा। पिछले साल निगम के कर्मचारियों ने बेहद शर्मनाक तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया था, जिसके वीडियो वायरल होने से निगम की खासी किरकिरी हुई थी। शुक्रवार को आ रही अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जवाहर टेकरी पर मूर्ति विसर्जन के लिए 100 मजदूरों की टीम विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। इसके अलावा यहां 100 तखत भी लगाए जाएंगे, जहां शहर भर से आने वाली मूर्तियों को सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाएगा। इसके बाद पोकलेन के माध्यम से जलाशय में मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इसके अलावा निगम के वर्कशॉप की टीम ने तकनीकी रूप से संसाधन तैयार किया है। पोकलेन के पंजे को हटाकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर मूर्तियों को रखकर जवाहर टेकरी पर बने जलाशय की 22 से 40 फीट गहराई में पहुंचाया जाएगा। पानी में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद खुल जाएगा। इस तरह सम्मानजनक तरीके से गणेश मूर्तियों का विसर्जन होगा। इसके अलावा नगर निगम द्वारा जलाशयों में गणेश मूर्ति विसर्जन रोकने के लिए शहर में अस्थायी कुंड भी बनाए जाएंगे। इस वर्ष भी निगम के जोनल कार्यालय सहित 100 स्थानों पर अस्थायी कुंड बनाए जाएंगे, जहाँ मूर्तियाँ विसर्जित करने की सुविधाएँ होंगी। इंदौर में जिस भाव से लोगों ने माटी गणेश का स्थापना की है, उसी सम्मान से हम विसर्जन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इंदौर में 91 स्थान पर नगर निगम ने अलग अलग छोटे छोटे पांडाल बनाए हैं, जहां से हम मूर्तियों को एकत्रित करके जो नियत स्थान धार रोड पर है विसर्जन का, वहां ले जाएंगे। वहां 6 अलग अलग विशेष मशीनें जो सीधे गणेश प्रतिमाओं को पानी में विसर्जित करेंगी। एक नया अनूठा बेल्ट भी तैयार किया है, जिस पर गणेश जी को विराजमान कर हम विसर्जित करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से इंदौर के जितने गणेश पांडाल लगे हैं, उन पांडालों में गणेश जी बिठाने वाले कार्यकर्ताओं से, स्वयंसेवक साथियों से आग्रह करता हूँ कि अपने गली से, मोहल्लों से, अपने रहवासी संघों से गणेश जी को एकत्रित करके नगर निगम के नियत स्थानों पर सम्मान से पहुंचाने का काम करें। वहां उनकी पूजा अर्चना कर उनको वहां विराजमान करें। वहां से हम उसके अंतिम गंतव्य स्थान पर ले जाकर उनको सम्मान से विसर्जित करेंगे। गणेश विसर्जन को लेकर जो इस बार नगर निगम की तैयारी है, जो अपना जवाहर टेकरी पर विसर्जन स्थल है, उसकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। वहाँ पर चूंकि बारिश को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि रैंप्स ऐसे बनाए जाएं ताकि गाड़ियाँ नीचे तक आराम से पहुँच जाएं। इस बार की जो व्यवस्था की गई है, सभी जोनल स्तर पर हम लोग मूर्ति कलेक्शन के लिए जो पॉइंट बनाते हैं, वो पॉइंट सभी जोन स्तर पर बनेंगे, सभी जोन्स में बनेंगे, और वहाँ से वो मूर्तियाँ निगम के माध्यम से ले जा करके विसर्जन स्थल तक जाएंगी। विसर्जन स्थल में चूँकि जवाहर टेकरी का जो खदान है वो गहरी भी रहती है, तो वहाँ पर मूर्तियाँ किसी को विसर्जन करना अलाउड नहीं रहेगा। मूर्तियाँ वहाँ पर रख करके और आगे वहाँ पर 11 पंडितों की व्यवस्था की गई है, जो विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद वर्कशॉप ने एक विशेष प्रकार का ट्रॉली बनाया है, जो कि JCB के साथ में, पोकलेन के साथ में लग करके, और उसमें हुक लोडर एक लगाया गया। हुक लोडर में एक ट्रॉली नुमा एक स्ट्रक्चर है, उसको करके हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें लगाया गया है, जिसमें मूर्तियां रख करके तालाब में जो पानी है उसमें आराम से विसर्जित की जा सकेंगी। तो इस तरीके की व्यवस्था वर्कशॉप ने और नगर निगम ने इस बार की विसर्जन